नमस्ते दोस्तों, एवी रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं फिश फ्राई। जो कि ये फिश है वो है मुरल फिश, इसे स्नेक हेड फिश भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इसका फिश फ्राई। तो इसका फिश फ्राई बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे, चलो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज जाकर फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम इसमें डालने वाले हैं क्या डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो ये दोस्तों एकदम सिंपल है, आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। मैंने खलबते में से अच्छी तरह से कूट ली थी। और हमने इसमें अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अभी हल्दी डाल देंगे। अभी क्या है, मिर्ची पाउडर। अभी मिर्ची पाउडर तो यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है, चिली पाउडर आधा नींबू लिया, आधा नींबू उसका रस हम डाल लेंगे। और यहाँ पे नमक, तो इतना ही इंग्रेडिएंट था इसके अंदर। ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिश के ऊपर अच्छी तरीके से मसाला लग जाना चाहिए, उस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमने मच्छी में अच्छी तरीके से मसाला लगा लिया है और इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर और हमने इसमें डाला है हल्दी नमक, बस इतना ही चीज डाला है। नींबू डाले, नींबू का भी रस डाले। हाँ नींबू का भी रस डाले इसके अंदर। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मसाला अच्छी तरीके से लगा लिया है और अभी क्या करेंगे हम, अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे तो यहाँ पर हमने तावा भी रख दिया है, इसके ऊपर डालेंगे तेल। तावा हमारा थोड़ा गर्म हुआ है, अब इसमें डालेंगे हम तावा, हमने थोड़ी देर के लिए गर्म करने लग दिया था, चल रहा है। और अभी हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा तेल, ये हमने राई का तेल लिया है, आप चाहे तो कोई भी तेल ले सकते हो, मीठा तेल ले सकते हो राई तेल। और अभी तेल को हल्का गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे मच्छी। और इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है मच्छी डालकर। तो आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा दिख रहा है इसका। तो दोस्तों भी आप देख सकते हो हमने हम पलटी करेंगे, पलटी कर लेंगे। एक साइड हमने पका लिया है ये आप देख सकते हैं और अभी हम दूसरे साइड भी पका लेंगे। एक फिश है 3 से 5 मिनट लगता है इसे पकने में। दूसरे साइड भी पका लेंगे। तो दोस्तों भी आप देख सकते हो मच्छी हमारा फ्राई हो गया है, उसे 10 मिनट लगा टोटल, इसे 10 मिनट लगा पकाने में, जो एक साइड और दूसरे साइड भी। और अभी हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हो सिंपल और फास्ट है, इजी और सिंपल फास्ट हमारा फिश फ्राई रेडी है।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो फिश फ्राई रेडी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।